गाइज, अभी सैमसंग अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स यानी कि गैलेक्सी S22 सीरीज पर काम कर रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सैमसंग S सीरीज में 3 ही स्मार्टफोन्स लेकर के आने वाला है। वैसे तो ये सभी स्मार्टफोन्स नेक्स्ट ईयर फरवरी में लॉन्च होंगे, लेकिन अभी से इनके डिजाइन और स्पेक्स को लेकर के काफी सारे लीक्स सामने आ चुके हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी S22 सीरीज के इन सभी स्मार्टफोन्स के बारे में और देखने वाले हैं कि इस बार सैमसंग के ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कैसे होने वाले हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस मिलते रहें। गाइस, सबसे पहले तो इस बार सैमसंग इनके नेम में थोड़ा सा चेंज करने वाला है। यहाँ पर गैलेक्सी S22 और S22 अल्ट्रा तो लास्ट ईयर की तरह ही सेम नेम के साथ में आएंगे, लेकिन गैलेक्सी S22 प्लस को इस बार गैलेक्सी S22 प्रो के नेम से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वेल, ये तो हो जाती है इनके नेम की बात। वहीं अब इनके डिजाइन के बारे में बात करें तो कुछ दिनों पहले गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के एल्यूमिनियम डमी का वीडियो सामने आया था, जिससे क्लियर होता है कि इसके रियर में पी शेप में कैमरा बंप देखने को मिलेगा। तभी से यहाँ पर दो टाइप के कैमरा लेआउट को लेकर के काफी सारे फोटोज और 3D रेंडर सामने आ रहे थे, जिनमें पी शेप या फिर 11 शेप में कैमरा लेआउट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आइस यूनिवर्स ने कंफर्म किया है कि इसमें ना तो पी शेप ना ही 11 शेप में कैमरा बंप देखने को मिलेगा। इसमें सभी कैमराज इंडिविजुअली सर्कुलर कटआउट में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इन दोनों से ही ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन लगती है। बाकी दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इन तीनों में से किस डिजाइन को ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं अब इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस बार S22 अल्ट्रा बॉक्सी डिजाइन में आने वाला है, जिसमें S पेन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इसके कैमरा मेगापिक्सल्स की बात करें तो इसमें प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। इसके साथ में 2 12 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरास देखने को मिलेंगे और 1 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा लगा हुआ होगा। वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो इसके फ्रंट में 6.8 इंच की LTPO टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाली क्वाड HD प्लस यानी कि 4K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 5000 mAh की बैटरी लगी हुई होगी। गाइज, इनके डायमेंशंस की डिटेल्स भी सामने आ गई है, जहां पर गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 9.05 mm की थिकनेस के साथ में आएगा और इसके लेफ्ट साइड में S पेन को स्टोर करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। वहीं पर अब गैलेक्सी S22 और S22 प्रो के बारे में बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स स्पेक्स वाइज आइडेंटिकल होने वाले हैं, बस इन दोनों में बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले साइज का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। गाइज, गैलेक्सी S22 6.06 इंच की साइज वाली डिस्प्ले साथ में आएगा, वहीं पर S22 प्रो में 6.55 इंच की साइज वाली डिस्प्ले लगी हुई होगी। और इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में यूनिफॉर्मली नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो यार ये लुकिंग वाइज भी काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाले हैं। इनमें आपको LTPS टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होगी। जहां पर इनके कैमरास के बारे में बात करें तो इनके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिनमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर लगा हुआ होगा, इसके साथ में एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ होगा। गाइज, गैलेक्सी S22 में 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, वहीं पर गैलेक्सी S22 प्रो में 4000 mAh की बैटरी लगी हुई होगी। और ये दोनों ही स्मार्टफोन 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आने वाले हैं। जहां पर इनके चिपसेट के बारे में बात करें तो इस बार क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 898 के साथ में आने वाले ये फर्स्ट स्मार्टफोन हो सकते हैं और इस बार इंडिया में इनका स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये हो जाती है इनकी अब तक सामने आई सभी डिटेल्स। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कमाल के टेक वीडियोस मिलते रहें।